नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। मैं हूं आप शिखा। ये रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ रंग कलाकार कल्याण संघ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्ष शिव विश्वकर्मा के अध्यक्षता में बैठक आहूत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक पुकराम साहू, प्रदेश अध्यक्ष श्याम दिवाकर, प्रदेश उपाध्यक्ष बलवीर विश्वकर्मा, प्रदेश महासचिव अरविंद सारथी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अकत निषाद, संभागाध्यक्ष बजरंग बरेठ, प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक श्रीवास के द्वारा छत्तीसगढ़ रंग कलाकार कल्याण संघ ने जिला पदाधिकारी और सदस्यों सभी जिला रायगढ़ में आने वाले ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष और सचिव का गठन किया जाएगा और संगठन में बहुत सारे योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ रंग कलाकार कल्याण संघ के बारे में बताया गया। उनके संबंध में जानकारी भी दिया गया। पेंटर भाई काफी संख्या में उपस्थित रहे। अशोक कुमार श्रीवास की रिपोर्ट। सर, आपके परिचय बताएंगे। मेरा नाम पुकराम साहू, रंग कलाकार कल्याण संघ का संयोजक। जैसे कि आज प्रदेश अध्यक्ष श्याम दिवाकर ने बताया कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, इस विषय में आपका कहना क्या है? सही बात है। देखिए, आज के दिन में बहुत महंगाई हो गया है और हमारे पेंटरों का कोई रेट नहीं है और सब अलग थलग पड़े हुए हैं। तो क्या है, सरकार से जो ठेका ले रहे हैं ठेकेदार लोग और पेंटर को औने पौने में काम करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, सरकार से भी ये मांग करते हैं कि हमारे जो पेंटिंग का काम है, वर्क काम है, वो सीधा पेंटर को या हमारे संगठन को मिलना चाहिए ताकि हर एक पेंटर परिवार आगे बढ़ सके। सर, आपके परिचय बताएंगे। सर, मोर ना तो अरविंद सारथी हवय और मैं प्रदेश के रंग कलाकार कल्याण संघ के मैं महासचिव हवा। जैसे कि आज रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ रंग कलाकार संघ का बैठक किया गया है, आपका क्या विचार इसमें? बैठक में तो बहुत सुंदर लागी, सब बहुत भीड़ के साथ में इकट्ठा हो रही हमारे कलाकार भाई मन। अच्छा, और एमा जतका कलाकार भाई मन के कहना है कि हमन ला आने आने के भवन में हमन बैठक रखतन, रूक रही के छह हम बैठक रखतन। तो भाई हम मन के घर कुरिया होना चाहिए, चिड़ई मन के घरों घर रहते, भेंद्रा भालू तक घर बना के रहते, लेकिन पेंटर भाई मन के लिए जिला में अभी तक एकोटी भवन नहीं है। तो मैं सरकार से और शासन से और प्रशासन से जमोटले में कहना चाहता हूँ कि बड़ दिन ले तुमन के हमन काम करथन, बूता करथन, लेकिन अभी तक ले हमारे पेंटर भाई पर कोनो ध्यान नहीं दे भाई, चिटको भी हमरो भी संगठन के लिए हर जिला मन में सामुदायिक भवन होना चाहिए। ओकर साथ साथ ये हमन के रोजी रोटी घलो छिनाए के कगार में है। अभी सामने में फ्लेक्सी लान के खड़ा कर दी ने, जेमे हमन बढ़िया अपन लीक पहुंच करके सरकारी योजना में घलो जात रहे, उच में फ्लेक्सी लागू कर देते। तो मैं सरकार से और प्रशासन से मैं निवेदन करत हूँ कि हमारे संगठन बन गई सावे, हम मन एक घर परिवार बने हन, हमन के ही खाता में पैसा लगलो डलाए के काम करे और जतका पोताई लिपाई से लेकर के गरुआ गोबर तक ल बनाए के हमन के संगठन में मिले, यही में आशा विश्वास के साथ में मैं जतका संगठन ल समझाए हूँ और मैं कहे हूँ। जैसे कि शासन से कुछ पहले मांग किए थे कि हमारा भी भवन बने, ऐसे करके कुछ विचार रखे थे क्या अधिकारियों के सापेक्ष में? आप कहे रहन और कहें तो हमारे एक जगह बनी से कोरबा में बने, बाकी जिला में नहीं बने है। तो हमार कहना है कि कोरबत में काबर बने हैं, देना है तो हमन हर जिला देना है, तो जम्मो जिला हमन ल दे देवे और सामुदायिक भवन जरूरी है हमन के, तब जाके हमन भविष्य आगे की ओर बढ़ा सकत हूँ। जैसे कि आप बैठक किए हो तो रायगढ़ में जिला में बैठक किए हो तो किराया में लिए हो कि फ्री में मिला है आप लोग? ये भवन ला हमन किराया में ले हमन सर। कितना मिले हो? अब रेट में तो भाई रसीद काट के दे हवे का देवा, लगभग वही 4,000 लगभग पड़ते किराया है। अच्छा, तो भाई ये स्थिति में अब हम ले तो अब मजदूर आदमी और पेंटिंग करके जिंदगी जीतन, ये स्थिति में हमारे सामुदायिक भवन नहीं रही तो के दिन ला हमन दूसर के में किराया ले लेकर के रबो। तो उसना में तो हमन के फ्लेक्सी जान तोड़ दी, तब एहू गलो जान तोड़ी किराया।